Assalamu alaikum. Hi, how are you? So this is Aisha Sain from Lahore, Pakistan, a makeup artist, or this is my look for today. This is marble eyes, or ये लुक आज मैंने क्रिएट करनी है. बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. और सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट के आई एम द ओनर ऑफ वन मेकअप ब्रांड एंड दैट्स कॉल्ड मालीज ब्यूटी. और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, उसके पेज का लिंक, अगर आप लोगों को उसमें से कुछ ऑर्डर करना हुए तो. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो. एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू सी दिस लुक, हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, सो प्लीज़ स्टे विद मी. थैंक यू. और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आई हैव डन. मैंने अपनी जो आईज़ को सेट किया है वो मैंने मालीज ब्यूटी के पर्ली के साथ किया है. ये पर्ली है, इसको किसी भी सिंथेटिक ब्रश के साथ आपने आई लिड्स के ऊपर लगाना है. और उसके बाद आप किसी भी पाउडर्स के साथ या किसी भी वाइट शेडो के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं. सो मैंने ये सेट किया है और उसके साथ मैंने टेप्स लगाई हैं जो मैंने अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाया है. एनास्टाजिया का डिप्रो है, मीडियम ब्राउन. और अभी हम जो है वो अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं. और अभी जो सबसे पहला कलर मैं लगाने लगी हूँ, ये मेरा पिंकी रोज कॉस्मेटिक का कल ही नया पैलेट आया है, ये वाला. और इसका नाम है ऑब्सेस्ड, वेरी नाइस नेम. और इसके कलर्स बहुत प्रिटी हैं, बहुत खूबसूरत हैं. और पिंकी रोज कॉस्मेटिक के इससे पहले भी कलर्स हैं मेरे पास, बट दीज कलर्स आर वेरी डिफरेंट. और जो पहला शेड मैं लगा रही हूँ इसका मैट पार्टी ऑन, ये वाला शेड मैं एज अ ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ. सो और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सिग्मा का E40 ब्रश है. और इसके साथ मैं अपना का फॉल आउट है थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे मैं इस शेड को प्लेस कर रही हूँ. I have done with this yellow transition shade. It's a very pretty matte shade है ये transition shade. और अभी जो मैं liner अपना second color use कर रही हूँ वो है Mali's Beauty का Swan. ये white liner है और ये water activated है, ये सिर्फ पानी के साथ activate होता है. ये मैंने पहले use किया, इसको मैं थोड़ा सा इसको अपने पानी के साथ activate करना है. और इसको मैंने अपनी पूरी lid पे लगाना है. और इसको मैं अब कैसे लगाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड. सो इसको मैंने वाटर के साथ एक्टिवेटेड किया है और अब मैं इसको अपनी पूरी लिड पे लगा रही हूँ. जैसे एक पूरी क्रीज बनाते हैं. और इसकी आपने एक पूरी थिक लेयर लगानी है. सो अभी हमने अपनी आंखों के ऊपर वाइट कलर का जो स्वान लाइनर था उसको हमने मल लिया और उसको हमने सेट कर दिया किसी भी वाइट आई शेडो के साथ. और अब जो है हम इसके ऊपर मार्बल इफेक्ट डालेंगे. किसी भी ब्लैक लाइनर के साथ आप मार्बल इफेक्ट डाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी. ऑब्वियसली जब हम देख रहे होते हैं कोई भी लुक क्रिएट करते हुए तो वो मुश्किल लग रहा होता है, बट जब आप उसको करने जाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है मगर हो जाता है. सो लेट्स क्रिएट इट. वेट अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ सेकंड. ऑन वन साइड मैंने मार्बल इफेक्ट दिया है और इसको थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ता है. मैं आपको सिर्फ इस साइड पे थोड़ा सा करके दिखाऊंगी कि आपने ब्लैक लाइनर लेना है, इस तरह का बारीक टिप वाला ब्रश लेना है और उसके बाद आपने मार्बल इफेक्ट डालना स्टार्ट करना है. मगर आपको बहुत आराम आराम से इसको करना पड़ेगा. सो अभी मैंने NYX का जो है लिक्विड क्रिस्टल लाइनर लगाया है अपनी आईज़ के ऊपर. दिस इज़ द ग्लिटर लाइनर. इसको मैंने थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए लाइनर लगाया है इस तरह से. और अभी अपनी टेप को जो है वो उतारूंगी और मैं वाइप के साथ इसको अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी अपनी एजेस को, ताकि मुझे पता चले कि मेरी लुक जो है वो कहाँ तक पहुँची है और मैंने अभी और इसको किस तरह से ठीक करना. और मैं इस साइड पर भी लाइनर लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं टेप बता दूंगी, पहले लाइनर लगाऊंगी.
और आपको दूर से एक मार्बल टाइप का इफेक्ट नजर आ रहा होगा। इस तरह से एंड आई विल डू दैट इन अ सेकंड। मैं साइड की टेप उतार के और लाइनर लगा के रो आई विल। तो मेरी आईज तकरीबन डन हो गई हैं, मैंने सिर्फ लैशेज लगानी हैं और उसके बाद फिर मेरी तकरीबन लुक कंप्लीट हो गई है। और मैं फाउंडेशन आप लोगों के साथ लगाऊंगी, मैं लैशेज लगाकर वापस आती हूँ। थैंक यू। सो इट्स डन। अब मैं जो है वो अपने फेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और अब मैं जो है वो ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी मालीज ब्यूटी का। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ऑरेंज करेक्टर और मैं इस चीज़ को गारंटी कर सकती हूँ। अगर किसी बंदे ने इस टॉपिक पे मेरे से बात करनी है ऑरेंज करेक्टर के मामले में, तो ये एशियन स्किन टोन के लिए जिनके बहुत पिगमेंटेड स्किन है, स्कार्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑरेंज करेक्टर इन द वर्ल्ड एंड आई कैन बैक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर जो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ आज, वो ब्यूटी ब्लेंडर की फाउंडेशन है और ब्यूटी ब्लेंडर का जो कलर है इज ब्लेंड 130। ये फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी फेमस नाउ डेज और इसका सबसे मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पे निकलेगी और उसके बाद मैं इसके अंदर अपना बेक एंड फिक्स जो है वो मिक्स करूँगी। दिस इज़ द न्यू पाउडर आई हैव लॉन्च इन मालीज ब्यूटी। ये पाउडर आप किसी भी अपने फाउंडेशन के अंदर डालेंगे तो ये उस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी को थिक कर देगा और आपकी फाउंडेशन जो है उसको आपकी स्किन को प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो फाउंडेशन है वो डबल थिक हो जाएगी और वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। सो इट लुक लाइक दिस। सही है, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, मैकरॉन वाली। इस तरह से आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर की फाउंडेशन को इस तरह से निकालना है, दो या तीन पंप निकालने हैं और आपने थोड़ा सा जो पाउडर है इस तरह से इसके अंदर डालना है, अगर आपको नजर आ रहा है तो इस तरह। एंड देन यू हैव टू मिक्स इट। ये आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है, ये पाउडर उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा बड़े मजे से। ये आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट लाइक दिस। इसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये चीज़ जो लॉन्च की थी सबसे पहले अर्बन डिके ने लॉन्च किया था, तब से मैं इस चीज़ के पीछे थी कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए एंड दिस इज़ ऑल मेड इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इसका वेल्वेटाइजर लॉन्च किया था और अभी मैंने इसका मालीज ब्यूटी ने ये लॉन्च किया है। सो यू कैन सी द कंसिस्टेंसी एंड यू कैन सी द कवरेज और आपने बस इसको ब्लेंड करते जाना एंड और आप देखें कि ऑरेंज कैरेक्टर ने आपके पूरे स्कार्स को कवर कर दिया। ओके, सो जो मैं अभी कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ टार्ट का है और ये इनका लिमिटेड एडिशन है। योर आईज आर डन। लव दिस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। और अभी जो मैं ब्लश लगा रही हूँ इज वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट जो मैं अभी तक I can't stop using it. इसके ये दो कलर्स मेरे बहुत फेवरेट कलर्स हैं, वन इज लीना एंड वन इज जुबा।
So the lipstick I am wearing is Starfish by Anastasia, and I love this. Is so pretty और बहुत 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 प्यारा कलर है. आई लव दिस. सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ. दिस इज मालीज ब्यूटी सेटिंग स्प्रे एंड आई एक्चुअली लव दिस सेटिंग स्प्रे. और आज मैं मालीज ब्यूटी का हाईलाइटर नहीं यूज कर रही. आज मैं ओफ्रा का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ. दिस इज द न्यू पैकेजिंग. आई लव दिस पैकेजिंग. आई लव ओफ्रा के हाईलाइटर्स और मैं आज इनके ये वाले हाईलाइटर्स यूज कर रही हूँ. सेटिंग स्प्रे मैं मालीज ब्यूटी का करूँगी और हाईलाइटर्स में ये दो यूज करूँगी. सो लेट्स सी. So this is my final look. Hope you like my look. And thank you so much for watching me. और आपको मेरी लुक अच्छी लगी होगी. और अगर आप कोई और लुक्स देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नया मेकअप है मेरे पास जिनका मैंने आकर रिव्यू करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. मैं अब वीक में दो दफ़ा लाइव आऊँगी इंशाल्लाह. अगर तनवीर भाई हुई इज़ माई वीडियो मेकर, अगर इन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं आती रहूँगी इंशाल्लाह. और लव यू ऑल. आप लोगों की मोहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया. दुआ में याद रखिएगा. खुश रहें, आबाद रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.